या फिर ड्यू टू दीडोप्लास्टिक ने क्या होता है नेचर ऑफ द ब्रॉथ इज सीडो प्लास्टिक तो सूडोप्लास्टिक नेचर में क्या होता है जैसे जैसे हम ईल स्ट्रेस को जैसे जैसे हम शेयर रेट को बढ़ाएंगे जैसे जैसे हम शेयर रेट को बढ़ाएंगे तो एपेनिट विस्कोसिटी क्या करेगी डिक्रीज़ करेगी एपेनिट विस्कोसिटी डिक्रीज़ करेगी तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे कि रिजोल्ट ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन का एक ग्रेडियंट फॉर्म हो जाएगा रिजोल्ट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन का एक ग्रेडियंट फॉर्म हो जाएगा यानी कि जहाँ पे स्पाजर्स है वहाँ पे तो डी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है बट दिया है राउंड डी ओ की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी लेस हो जाएगी ऐसा क्यों हो रहा है ड्यू टू दीडोपलास्टिक नेचर ऑफ़ द ब्रॉथ